In 1993, Sunil Kumar Rajput set up the Rajput Group as a real estate agency to capitalize on the booming real estate market. Under the registered name of Rajput Properties and Developers Private Limited, the company had taken up the construction of Sri Rajnigandha Greens in Greater Noida, its first ever real estate project. Incidentally, several months after this meeting with Cobra Post reporter, Sunil Kumar Rajput was arrested for cheating hundreds of investors. He was accused of taking booking advances of 12 crore rupees from 400 investors. Turns out, even the website for Rajput Group has expired as of November 22, 2014. Going back, Cobra Post reporter meets the paterfamilias of the group, Sunil Kumar Rajput. He poses a direct question to the managing director. What percentage of the value of the property can be paid in black money? Pat comes the answer, 30-70. नहीं आप एक चीज बताइए पेमेंट आप लेंगे कैसे कितना परसेंट ब्लैक आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें इसमें 30-70 का रेशो चलेगा 30% आ सकता है 30% मैं 60 का रेशो लेके चल रहा हूँ 60-40 का रेशो लेके चल रहा हूँ 60 मैक्सिमम जाएगा तो 60 तक जाएगा इससे ऊपर नहीं जाएगा कितना 60% इससे ऊपर नहीं जाएगा Commendable directness by the head of Rajput Group of Companies. He will accept 40% of the property sale amount in black. Further, he has a modus operandi ready for the transaction. Sunil Rajput says he will first take the black component before booking the sale with the token amount. In his words, total black ke aane ke baad hi allotment letter banega. तो आप ऐसा कीजिए कि 20% ब्लैक एक साथ ले लीजिए 20% व्हाइट ले लीजिए 40% मैं आपको पेमेंट एक साथ करता हूँ रिमेनिंग नहीं वो नहीं बन पाएगा आपको अलॉटमेंट ब्लैक वगैरह वो कैसे बनाएंगे क्यों वो तो ब्लैक ही बनेगा टोटल ब्लैक आने के बाद ही बनेगा अच्छा अच्छा टोटल ब्लैक आने के बाद ही अलॉटमेंट लेटर बनता है ऐसा क्यों पेमेंट कहाँ शो करेंगे लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट जो है फिर बाद में ब्लैक एंड व्हाइट भी खत्म होगा ना दिखा के हमने इसको बुक कर दिया जब 10 रुपया का तो हमने 6 रुपया में व्हाइट में आपको देना है तो आप 2 रुपये लेके बुक कर लीजिए नहीं 2 रुपये लेके बुक करेंगे तो जो एक्चुअल बचा हुआ उसी को टोटल अमाउंट दिखाएंगे ना अच्छा चलो अच्छा मैं समझ गया Rajput insists on completing the black component transaction before signing the token amount. He says, "फिर बाद में black and white नहीं खत्म होगा ना? लेकिन black and white जो है, फिर बाद में black and white नहीं खत्म होगा ना? That is not all. Rajput is making suitable arrangements for routing the transaction amount through offshore accounts, more specifically in Singapore. Listen in. एक दिन सर हो गया, उसके बाद हमारे बॉस हैं वो आप कहेंगे तुमसे पैसे वगैरह भी लगवाना होगा तो लगवा दिए जाएंगे बहुत कोई दिक्कत पैसे लगवाने वाले चाहिए बस पैसे एक बार शुरुआत करें बट उनका वही है ना एक चीज ज्यादातर इंडिया से बाहर ही उनका ट्रांजेक्शन होता है ज्यादातर तो उनका एक हमेशा 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 रहा है लेकिन अभी हमने क्योंकि वहाँ अकाउंट खोलना है बाकी चीजें करनी है तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है उसको अभी करनी 3-4 महीने लगेंगे अच्छा आप प्रोसेस में डाल रखा है प्रोसेस कब चल रहा है सिंगापुर से अच्छा सिंगापुर से किससे SSBC सर हाँ वो अकाउंट वहीं पे खुलेगा सिंगापुर में अच्छा वहीं ऑफिस खुला जाएगा वहीं अकाउंट खुलेगा तो चल रही है तो ज्यादा तो उनका प्रेफरेंस होता है कि बाहर बाहर ट्रांजेक्शन कर पता है आजकल मतलब बहुत सारी चीज बहुत सारी तो यही है जरूर बात करना आप कि पैसा के ट्रांजेक्शन अगर बाहर से हो जाए तो हमारे लिए देखिए इनिशियल में लगभग 3-4 करोड़ रुपए हमें इनिशियल चाहिए उसके बाद हम ट्रांजेक्शन जैसे चाहे वैसे हो जाएगा अच्छा 3-4 करोड़ इमीडिएट अगर मैं यहाँ पेमेंट करा दूँ तो बाकी बाहर से ट्रांजेक्शन हो जाएगा बाकी बाहर से हो जाएगा कहाँ से सिंगापुर से वो जहाँ से भी होगा मैं आपको बता दूंगा जिसमें 2 वाइट चाहिए Rajput plans to set up office in Singapore and that is where he will conduct all transactions. In his words, Singapore mein wahi office khola jayega, wahi account khulega. Account wahi pe khulega Singapore. Acha. Wahi office khola jayega, wahi account khulega.
चल रही है। तो ज्यादा तो उनका प्रेफरेंस होता है कि बार बार ट्रांजेक्शन कर, पता है आजकल में तो बहुत सारी चीज। Encouraged by his client's offer to organize capital investment, Rajput tells his client that he can arrange for the transaction to be conducted outside the country if he can pay 4 crore rupees on an immediate basis. लगभग 3-4 करोड़ रुपए हमें इमीडिएट चाहिए, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन जैसे चाहे वैसे हो जाएगा। Clearly, the managing director of Rajput Group of Companies has set up an elaborate foundation to accommodate black money. That's quite some planning for a group that was taking up its very first construction project. Just need two white chilli, and the rest is.